तो हम अब आपको एक ऐसे खिलाड़ी से मिलाने जा रहे हैं कि जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में बहुत ही मेहनत की और उसके बाद में उन्होंने जगह बनाई बड़ौदा के लिए रणजी ट्रॉफी में, और उसके बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी रखा और आकर्षित किया आईपीएल में, और 3 सीजन तक उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के लिए बहुत ही बेहतरीन खेला। और एक महत्व की बात यह है कि अंडर-19 वर्ल्ड कप जिसमें विराट कोहली की कप्तानी में भारत चैंपियन बना था, साउथ अफ्रीका को हराया था, उस फाइनल मैच के हीरो यानी कि मैन ऑफ द मैच रहे थे। और जी हम बात कर रहे हैं अजितेश अर्गल की, जो कि काफ़ी तेज़ गेंदबाज है और अच्छी नामना कमा चुके हैं। अजितेश स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने जब क्रिकेट की शुरुआत की थी तो उस समय आपकी उम्र क्या थी? मैं प्रोफेशनली जब क्रिकेट स्टार्ट किया था तो आई वाज अराउंड 12 और 13, बट वैसे तो कॉलोनी क्रिकेट 4-5 साल की उम्र से खेलते थे। जब करियर की शुरुआत की किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था आपको? लकीली नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि जो मेरे फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे दादाजी ध्यानचंद जी के साथ हॉकी प्लेयर रहे, ही वॉज़ अ नेशनल प्लेयर, बट अनफॉर्चुनेटली फैमिली की सिचुएशंस ऐसी थी कि उनको अपना करियर छोड़ना पड़ा, और फादर ने हमेशा से सपोर्ट किया है तो इनिशियली जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है एक प्लेयर को मुझे प्रोवाइड की। वैसे मैं रहने वाला भोपाल का हूँ, मध्य प्रदेश MP, बट क्रिकेट की वजह से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ बड़ौदा, और फिर यहाँ पे अंडर-15 में अच्छा किया तो अभी बेस यहीं बना लिया है। बड़ौदा रणजी के बाद जब IPL से पहली बार कॉल आया था, कैसा माहौल था घर के अंदर आप के लिए? नहीं, बहुत प्राउड फीलिंग थी, और IPL से भी इम्पोर्टेंट जो एक हर एक प्लेयर के करियर में महत्व की चीज़ रखता है वो है अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करना, और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट का जो हमने जीता तो दैट वाज दी मोस्ट प्राउड फीलिंग, और काफ़ी अच्छी फीलिंग थी हम लोग ने जब साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया था, तो बिकॉज वो जब आप नेशनल फ्लैग वेव करते हो, सब सपोर्टर्स आपको तहे दिल से आपको ग्रीट करते हैं, वो ऐसी फीलिंग है कि दुनिया की कोई भी चीज़ उस चीज़ को खरीद नहीं सकती, कंपेयर नहीं कर सकती है, स्पेशली व्हेन अपना नेशन में जहाँ क्रिकेट इतना सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी मेहनत और आपके अंदर लगन हो तो ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपको कोई भी चीज़ आप करते हैं, क्रिकेट ही नहीं कोई भी चीज़, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है, हर एक स्पोर्ट हो या एजुकेशन लेवल आप देखो, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ती है, और मेहनत के साथ अगर आपका पैशन होता है तो आपको हेल्प करता है, अनलेस एंड अंटिल यू एंजॉय अ गेम या यू एंजॉय अ प्रोफेशन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, सो वो चीज़ काफ़ी मायने रखती है, और मैं ऊपर वाले को तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें आज उसने दी है, और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं अपना जो मेरा पैशन है वो मैं उसको एज अ प्रोफेशन परस्यू कर पा रहा हूँ, सो दैट इट्सेल्फ इज़ अ गुड थिंग। SGVP सूर्या स्पोर्ट्स एकेडमी ने हर साल की तरह आयोजन किया है, इस आयोजन के बारे में ग्राउंड कंडीशन, लाइटिंग, फैसिलिटीज़, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, और हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर्स। मेरा तो पहला साल है यहाँ पे, मैंने सिर्फ सुना था कि ये टूर्नामेंट होता है, बट पहले कुछ IPL के कमिटमेंट्स और हम लोग रणजी ट्रॉफी कमिटमेंट्स की वजह से मैं नहीं खेल पाया। इस साल हमारे डिपार्टमेंट ने टीम डाली, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड जब पहली बार हम यहाँ पे आए थे, इट इज़ एज गुड एज अ नेशनल टूर्नामेंट, बहुत मज़ा आता है खेलने को, विकेट्स से लेके ग्राउंड फैसिलिटीज से लेके एवरीथिंग इज़ सुपर्ब, और मैं चाहूँगा कि टूर्नामेंट हर साल हो, और जैसे ऑल इंडिया टीम्स आती हैं एक दिन ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जाए। अजितेश, उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह नाम कमाए और आगे बढ़े, ये शुभकामनाएं SGVP परिवार की ओर से आपको, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजितेश अर्गल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजितेश अर्गल जो कि बड़ौदा के लिए खेलते हैं, और निश्चित रूप से टैलेंट जहाँ पर है वहाँ पर सफलता के पीछे उस टैलेंट को भागना नहीं पड़ता है, लेकिन जो सफलता है वो खुद कदम चूमने के लिए आती है।